मुजफ्फरनगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता में चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों सदर बाजार में डॉक्टर अजय पवार और आशीष बालियान के यहां जो धरना प्रदर्शन किया गया था, उसको लेकर समस्त चिकित्सकों में बेहद रोष है। चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि भारतीय किसान यूनियन के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसका इस पर इंक्वायरी बैठे कि इसको भड़काने वाले राज सिंह जी को और भड़काने वाले कौन थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम हमारे डॉक्टर अजय पवार और डॉक्टर बालियान जो हैं, आशीष बालियान, ये उनके ऊपर जो हैं उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करेंगे और साथ में जो है प्रशासन से और शासन से हमारा ये निवेदन है, हमारी ये अपील है कि इस केस को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर लें और इसका निष्कर्ष निकालें। अजय पवार और आशीष बालियान ने बताया कि उन पर आरोप लगाया गया था कि उनके अस्पताल में भर्ती बच्चों को बदल दिया गया है, जिसका बाद में डीएनए टेस्ट हुआ और बच्चे का पिता वास्तविक रूप से वही निकला जो हंगामा कर रहा था। उन्होंने कहा कि उसने यूनियन के नाम पर एक नेता ने 2.5 लाख रुपए की मांग की, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया और अब वे 5 करोड़ रुपए का दावा करने जा रहे हैं। इस हंगामा करने का आरोप उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के एक नेता को, जिला पंचायत का सदस्य भी बताया जाता है, उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस नेता ने डॉक्टरों के सम्मान के प्रति बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया। डॉक्टरों ने कहा कि यदि ऐसा ही माहौल रहा तो मुजफ्फरनगर में चिकित्सक सेवाएं देना आगे असमर्थ हो जाएगा। उसके फादर आए और उन्होंने एक वहां से जाके हंगामा शुरू कर दिया कि हमने तो लड़का भर्ती किया था और हमें लड़की दे दी गई। हमने उसे बहुत समझाया, हमारी एक केस शीट होती है, कंसेंट फॉर्म होता है, उस पर साइन होते हैं मरीज के, उसको दिखाया भी, समझाया कि लड़की भर्ती की थी, मैंने भी उसको बताया और रोज़ उससे बात होती थी कि भाई लड़की हमारी ठीक है। उसके बावजूद भी उसे किसी अवांछनीय तत्वों के बहकाव में आकर ये झूठा एलिगेशन और मनी पैसा एक्सट्रोशन करने के लिए अगले दिन ये हमारे ऊपर अनगरल आरोप लगा दिया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस का और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा थी। एक विकास शर्मा नाम का जो भारतीय किसान यूनियन का नेता था, उसने वहाँ बहुत हंगामा काटा, बहुत ज़्यादा जो है तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी, जिसकी वीडियो फुटेज और ऑडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है। पुलिस और प्रशासन उसको रोज़ फ़ोन करता था कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। बहुत आनाकानी के बाद कई दिनों बाद उन्होंने फिर डीएनए टेस्ट कराया। उसमें उस फादर था, वो बच्ची थी और उसका एक बेटा और है, उसका भी डीएनए टेस्ट कराया हमने। तीनों का डीएनए टेस्ट मैच कर गया, यानी कि वही उसका बायोलॉजिकल फादर था। विकास शर्मा जो नेता बनता था, इसमें अपने आप को भारतीय किसानों का बहुत बड़ा नेता बताता था, उसने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे से और डॉक्टर आशीष बालियान से बुला के, बोला कि मुझे अगर 2.5 लाख रुपए दे दिए जाए तो मैं अभी धरना प्रदर्शन अभी बंद कर सकता हूँ। कार्रवाई सख्त, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो इस तरह के तत्व हैं इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगाई जाए। शिकायत भी आपने की, अभी हम इसके ऊपर मानहानि का और एक FIR भी लॉन्च करने वाले हैं आज या कल में, एक दो दिन में वो भी उसको हम लॉन्च कर देंगे।